इस बस में काफी मात्रा में थे परीक्षा देने वाले बच्चे, जो इंजर्ड हैं उसमें से एक परीक्षा देने का कह रहा है, वो परीक्षा देके आ रहा था जयपुर से। हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अजमेर समाचार में आपका स्वागत है। अजमेर के नारेली बाईपास के पास हाईवे पर तेज गति से आ रही निजी ट्रेवलर की बस आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। इसी दौरान दो के खत्म होने के साथ 12 के घायल होने की सूचना मिल रही है। यह बस जयपुर से उदयपुर जा रही थी। दरअसल यह घटना करीब 9:30 बजे की है। इस घटना में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होकर अपने गाँव लौट रहे कैंडिडेट भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। इस घटना में मृतक नदवई भरतपुर निवासी जगदीश पुत्र गिरिराज व भाऊआ उदयपुर निवासी रमेश मीणा की पहचान हो पाई है। इस घटना के दौरान बस में मौजूद भाऊआ उदयपुर निवासी प्रदीप ने बताया कि बस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट भी थे। वह खुद भी परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहा था और इस घटना को अंजाम मिल गया। बस में कई कैंडिडेट थे जो परीक्षा देकर लौट रहे थे या फिर परीक्षा देने जा रहे थे। इसी दौरान बस में सवार एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट ने बताया कि बस का चालक शराब के नशे में था और उसे कई बार टोका तो वह नहीं माना, लेकिन बाद में आगे चल रहे ट्रेलर में बस जा घुसी और इस घटना को अंजाम मिल गया। तो दोस्तों आपसे भी निवेदन है कि वाहनों को सावधानी पूर्वक चलाएं। इस खबर के माध्यम से आपको सचेत किया गया है न कि विचलित, ताकि खुद के साथ घटने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों प्रदेश भर की ऐसी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।